क्वेश्चन है कोल्ड प्ले शेफ इज़ अ बिग फैन ऑफ कोल्ड प्ले एवरी संडे ही विल ड्राइव टू अ पार्क टेकिंग एम मिनट्स टू रीच देयर एंड ड्यूरिंग द राइड ही विल प्ले अ सिंगल सॉन्ग ऑन द लूप टूडे ही हैज गॉट द लेटेस्ट सॉन्ग विच इज टोटल एस मिनट लॉन्ग ही इज इंटरेस्टेड टू नो हाउ मेनी टाइम विल ही बी एबल टू प्ले द सॉन्ग कंप्लीटली तो एम मिनट की वॉक है और एस मिनट का सॉन्ग है ठीक है तो टी टेस्ट केस चलेंगे और एम और एस हमारे ड्यूरेशन हो गए यहाँ पे हमारे कंस्ट्रेंट एकदम सही है और हज़ार और सौ का है तो अगर टेन मिनट की वॉक है और फाइव मिनट का सॉन्ग है तो फाइव मिनट वाले दो सॉन्ग चल जाएंगे तो सैम्पल आउटपुट आ गया दो है ना अगर छः मिनट का सॉन्ग है और दस मिनट की वॉक है तो फिर एक ही चल पाएगा क्योंकि दूसरा वाला पूरा हो नहीं पाएगा तो ये तीसरा पार्ट आता है कि अगर हमारे वॉक जो है वो कम मिनट की है सॉन्ग के लेंथ से तो हमारा आउटपुट ज़ीरो आ जाएगा तो सैंपल इनपुट हमारे ये सब हैं अब सिंपली हम क्या करेंगे अगर हमारा वॉक की लेंथ जो है वो कम है हमारे सॉन्ग की लेंथ से तो आउटपुट आ जाएगा जीरो नहीं तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे सिंपली देखो टेन को डिवाइड कर रहे हैं फाइव से टू तो आ रहा है टेन को डिवाइड कर रहे हैं सिक्स से तो वन आ रहा है है ना इंटीजर लेंगे अगर मतलब वन पॉइंट समथिंग होगा मगर इंटीजर पार्ट लेंगे तो वन ही बचेगा तो इस तरह से इसका आउटपुट आने वाला है ठीक है सिंपली पाइथन में हो जाएगा ये पाँच छः लाइनों में ठीक है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन का नाम है इक्विनॉक्स स्ट्रिंग ठीक है इसमें सार्थक एंड अनुराधा आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आर ईगर टू पार्टिसिपेट इन एन इवेंट कॉल्ड इक्विनॉक्स ठीक है इक्विनॉक्स नाम का एक इवेंट होने वाला है जिसमें दोनों पार्टिसिपेट करेंगे और इस गेम में एन स्ट्रिंग की एक हमारे पास लेंथ होगी मतलब एन स्ट्रिंग्स एस वन से लेके एस एन तक दे रखी होंगी मतलब तीन स्ट्रिंग बोलेंगे तो तीन होगी ठीक है और उसमें हर एक जो है स्ट्रिंग उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि ई क्यू यू आई एन ओ एक्स में से कोई सा भी एक अल्फ़ाबेट अगर हमारे स्टार्टिंग में मिल जाता है तो हमारा सार्थक जीत जाएगा नहीं तो अनुराधा जीतेगी ठीक है ट्विस्ट क्या है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि सार्थक जीत गया तो सार्थक का एक पॉइंट बढ़ गया नहीं होगा ऐसा सार्थक का ए पॉइंट बढ़ेगा और अनुराधा का बी पॉइंट बढ़ेगा एग्जाम्पल से समझाता हूँ उससे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर दोनों के पॉइंट्स बराबर हैं तो आंसर आने वाले ड्रॉ नहीं तो अपर केस में लिखना है हमें ठीक है ऐसे सार्थक पूरा एग्जैक्ट नाम लिखना है अनुराधा पूरा एग्जैक्ट नाम लिखना है अब बात करते हैं सैम्पल इनपुट की ठीक है जहाँ से हमें इसको अच्छे से समझ में आने वाला है देखो चार हमारे पास स्ट्रिंग है है ना दिख रही होगी ए बी सी डी वाली ये ए बी सी डी ई वाली अर्थ वाली इंडिया वाली और यू एफ डी वाली है ना तो ये चार स्ट्रिंग है हमारे पास दूसरा वन और तीसरा थ्री लिखा है ना इसको समझो क्या मतलब है वन मतलब कि अगर सार्थक जीतता है तो एक पॉइंट बढ़ जाएगा उसका और अनुराधा अगर जीतती है तो उसके तीन पॉइंट बढ़ जाएंगे अच्छा ये सार्थक कैसे जीतेगा देखो ए बी 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 सी डी डी ई इसमें हमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखना है जो कि ए है है ना अब इस ए को हमें इसमें फाइंड करना है क्या देखो आ, ये रहा इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स में कभी ए नहीं आ रहा है ठीक है कहीं पे भी ए आना चाहिए था नहीं आ रहा है इसका मतलब इस गेम में अनुराधा जीत गई तो अनुराधा के हो गए तीन पॉइंट्स नाउ टॉकिंग अबाउट अर्थ अर्थ में स्टार्ट हो रहा है ई e से इक्विनॉक्स में तो ई e आ रहा है है ना तो इस बार सार्थक के हो गए वन पॉइंट अगेन इंडिया में आई आ रहा है जो कि इक्विनॉक्स में भी है यू एफ एफ यू 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 एफ 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 डी 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 में भी यू आ रहा है स्टार्टिंग में जो कि इक्विनस में है इसका मतलब सार्थक के भी तीन पॉइंट हो गए है ना इ, इंडिया अर्थ और ये नीचे वाले में तो दोनों के मिला के तीन तीन हो गए तो ड्रॉ मैच हो गया टॉकिंग आउट सेकेंड थिंग तो देखो दो स्ट्रिंग है एच डी एच एच डी और एक्स एक्सो 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 है ना और इसमें एस जो है इक्विनॉक्स में आ रहा है कि नहीं बताओ नहीं आ रहा है मगर एक्स आ, आ रहा है समझ में आ रही है बात हम फर्स्ट स्ट्रिंग की बात करेंगे फर्स्ट अल्फाबेट की बात करेंगे तो एस नहीं आ रहा था तो हमारे अनुराधा के हो गए सात पॉइंट और एक्स आ रहा है तो सार्थक के हो गए फाइव पॉइंट तो सात बड़ा है या पाँच सात बड़ा है और इसका मतलब कौन जीत गया अनुराधा जीत गई ठीक तो है ये सिंपल सा क्वेश्चन था लॉजिक कैसे बिल्ड करना है इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पाइथन के वे में देखें तो स्ट्रिंग का हम लिस्ट बना सकते हैं है ना और फिर लिस्ट का जीरोथ पोजीशन चेक कर सकते हैं कि अगर वो हमारे ई क्यू यू आई एन ओ एक्स में प्रेजेंट है ठीक है तो हम क्या करेंगे ऐसे काउंट जैसा कुछ बना दो काउंट प्लस इक्वल टू ए कर देंगे ए क्या यहाँ पे वन है फाइव है है ना मैं दोनों टेस्ट केस के बता रहा हूँ नहीं तो ये नहीं तो मत करो आप अगर हमारा प्रेजेंट है पहला वर्ड इक्विनॉक्स के अंदर तो आप सार्थक के पॉइंट बढ़ा दो ये एस प्लस इक्वल टू ए कर एस प्लस इक्वल टू ए कर देना और अगर नहीं प्रेजेंट है तो हमारे अनुराधा के पॉइंट बढ़ जाएंगे यानी ए प्लस इक्वल टू बी कर देंगे ठीक है अब कर लेना उसको मतलब समझ में आ रहा होगा मतलब अगर अगर सार्थक जीतेगा तो प्लस वन करना है अनुराधा जीतेगी तो प्लस थ्री करना है फिर लास्ट में जब चेकिंग हो जाएगी तो फिर देखना है कि अनुराधा और सार्थक में से कौन जीता नहीं तो ड्रॉ कर देना है ठीक है होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है शेफ़ इन हेवेन ठीक है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अगेन बोलूँगा यहाँ पे हमें देखना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज आ रखे हैं तो बेसिकली क्या होने वाला है आपको समझा देता हूँ कि शेफ जो है वो एल साल तक जिएगा ठीक है और अच्छे काम करना यानी वन बुरे काम करना यानी ज़ीरो ठीक है आपको दिखा देता हूँ सीधा आउटपुट मतलब सैंपल इनपुट से देखो तीन टेस्ट केस हैं, दिख रहे होंगे इसमें दो दो चाहिए, चाहिए है ना कि मतलब कितने वर्ड की स्ट्रिंग होगी अब दो साल जिएगा ये है ना तीन टेस्ट केस हैं, एक आदमी दो साल जी रहा है, एक साल पाप करा दूसरे साल पुण्य सॉरी एक साल पुण्य करा दूसरे साल पाप करा है ना वन मतलब होता है अच्छा काम ज़ीरो मतलब बुरा काम तो एक अच्छा काम करा एक गलत काम करा तो फिफ्टी परसेंट हो रहा है ना इसका मतलब ये आसान जाएगा समझ में आई बात अगला देखते हैं थ्री यानी तीन साल जिएगा और एक टू स्टॉर है बात समझना कि डॉक्टर स्ट्रेंज ना चाहता है कि ये ये जल्दी मर जाए अगर ये इसको स्वर्ग चाहिए तो मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा नहीं चाहता कि ये जिए ज़्यादा है ना डॉक्टर स्ट्रेंज का मेन एम जो है कि इसको स्वर्ग भेजना है और यस मतलब स्वर्ग होता है ना मतलब हाँ स्वर्ग जाएगा ये तो बता देते हैं कैसे देखो तीन साल जिएगा पहले दो साल इसने पाप करे तीसरा साल पुण्य करा कोई चांस ही नहीं बचता इसके पास कि स्वर्ग जा पाए क्योंकि फिफ्टी परसेंट से भी कम है है ना सिर्फ़ एक पुण्य करा इसने फिफ्टी परसेंट से कम है तो नो आ गया अगला देखो फोर्थ पार्ट में आप देख रहे हो कि पहला साल पाप करा दूसरे साल पुण्य करा फिर पाप पाप कर दिए है ना तो डॉक्टर स्ट्रेंज क्या चाहेगा कि ये दूसरे साल बाद वही बाद ही मर जाए इजेंट इट कि ज़ीरो और वन के बाद मर जाए यानी दो साल में ही मर जाए तब जाके तो उसको हेवन मिलेगा हेवन दिलवाना मेन पार्ट है इसमें समझ में आई बात तुम बेसिकली कर क्या सकते हैं पहले तो ये चीज़ समझ लो कि अगर आपको जीरो और वन स्टार्टिंग में मिल गया ना अगर आपको या वन जीरो मिल गया जीरो वन मिल गया तो मार डालो यार उसको जल्दी ठीक हम है हमें उसको हेवन दिलवाना है ठीक है दूसरा तरीका ये है कि आप काउंट बढ़ाते जाओ अगर मतलब आप वन को काउंट करो लिस्ट के अंदर डालो इसको वन को काउंट करो नंबर ऑफ़ वन कितने हैं फिर ज़ीरो को काउंट करो नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हैं फिर चेक करो कि अगर नंबर ऑफ वन जो है वो ज़्यादा है ठीक है यानी अच्छे काम ज़्यादा करें तो फिर तभी जाके हेवन मिलेगा तो यस हो जाएगा है ना नंबर ऑफ वन जो है नंबर ऑफ़ ज़ीरो से ज़्यादा है तभी हेवन मिलेगा और दूसरी बात है उसको जल्दी से जल्दी मार भी सकते हैं हम उसको हेवन दिलाने के चक्कर में यानी अगर उसने पीछे पाप कर रखे हैं ना आखिरी कंस्ट्रेंस देखो फोर चार साल जब जिएगा तो पाप पुण्य पुण्य पाप पाप है ना दो बार कर रहे हैं ना तो यहाँ पे ज़ीरो और वन रहेगा स्टार्टिंग के ही दो ही साल जीने देगा और उसको हेवन दिलवा देगा डॉक्टर स्ट्रेंज ठीक है होप आपको समझ में आई होगी ये तीनों प्रॉब्लम्स चलिए फिर मिलता हूँ बाद में